तो स्टूडेंट्स आज हम टेंथ का एक चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड डिस्कस करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स क्या चैप्टर है, कौन से इसके टॉपिक्स हैं, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत बार स्टूडेंट्स ने हमें लिखा है कि सर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स करवाइए, जो टेंथ के बच्चे हैं। तो टेंथ स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की ये वीडियो आज बनाई है। देखिए कार्बन बहुत ही फैसिनेटिंग एक एलिमेंट है। कार्बन जो बिलोंग करेगा वो 14th फैमिली से बिलोंग करेगा पीरियोडिक टेबल में। 14th फैमिली जिसे हम बोलेंगे कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। तो कार्बन की स्पेशलिटीज पहले वो देख लें। देखिए कार्बन की जो स्पेशलिटीज हैं वो पहले हम ये देखें कि जो कार्बन के जो आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप्स वो होंगे जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होंगे। जैसे ये एटॉमिक नंबर्स हैं, ये सेम है इनके, यहाँ पे टू आइसोटॉप्स हैं। तो हमने ये वाला जो कंपाउंड है, जो हमें कंपाउंड बनाएगा, दिस एलिमेंट हमने आज इस वीडियो में डिस्कस करना है। कार्बन 12 इसका मास नंबर। तो देखिए अगर हम इसमें देखें इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। प्रोटॉन्स कितने होंगे, ये भी 6। जितना एटॉमिक नंबर है उतने इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतने इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स क्या आएंगे, 12। सुपरस्क्रिप्ट यानी मास नंबर, आप अगर फार्मूला लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है 12, एटॉमिक नंबर 6। तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 6 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे इस एलिमेंट में होंगे जो हमने ये डिस्कस करना है। कार्बन के ये वाले आइसोटॉप्स देखे हमने और आइसोटॉप्स में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में और क्या क्या आएगा। सबसे पहले जो कार्बन है वो कई बार क्वेश्चन आया है असर्शन रीजनिंग में, क्या कार्बन ये जो 6 वाला है जिसमें 12 एटॉमिक नंबर अपना मास नंबर है, क्या 4 पॉजिटिव पॉसिबल है, क्या 4 नेगेटिव पॉसिबल है। इनमें ये चीज़ें आपने देखनी है कि क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। पहले तो आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। जो कार्बन अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें इसकी तो चेक करिए, देखिए ये के शेल है और ये एल शेल है। मैं 10th लेवल के स्टैंडर्ड से करवा रहा हूँ, प्लस 1 लेवल से नहीं करवा रहा कि हम 1s2 2s2 वाली कॉन्फ़िगरेशन करें, नहीं। हम यहाँ पे 9th से शुरू होकर 10th लेवल तक के जो कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट है वो कर रहे हैं, ना कि प्लस 1 और प्लस 2 लेवल के। देखिए के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 2 इधर आ गए, अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 2 3 और 4। यहाँ पे टोटल ये कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 4 5 और 6। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब 2 और 4। अब अगर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनानी हो तो अब क्या करना पड़ेगा, कार्बन को स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस इसके कौन सी है, इसके जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो है नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10। अब अगर इसने नियोन बनानी है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसको यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो यहाँ तो देखिए इसकी जो नियरेस्ट नोबल गैसें 2 हैं, एक अगर आप देखें हीलियम, हीलियम भी इसकी नियरेस्ट है। नियरेस्ट मतलब इससे पहले जो नोबल गैस है वो हीलियम है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करे तो नियोन है। अब अगर इसने हीलियम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको ये वाले जो ये देखिए इधर कॉन्फ़िगरेशन हम कर लें और एक इधर कॉन्फ़िगरेशन कर लें। अगर इसने हीलियम बनाना है तो इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर 4 पॉजिटिव आना चाहिए, या तो ये क्या करे फर्दर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए, 4 नेगेटिव का। तो आप देखिए क्यों ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये 4 पॉजिटिव की और 4 नेगेटिव की जनरली पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि एक टर्म आएगी यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी।
आप 10th लेवल के बच्चे थोड़ा सा ध्यान से समझेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है, जैसे कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन है और ये एटम है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर बंद किया मैंने, अगर इस मुट्ठी को मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बंद किया तो मुझे ओपन करने के लिए बहुत बाहर से जोर लगाना पड़ेगा, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एटम के बीच में से आउटर मोस्ट जो शेल्स है इसकी वहां से निकालने के लिए एक एनर्जी लगानी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इन गैसेस फॉर्म, जब एटम को किस में गैस फॉर्म में किया जाए। फिलहाल 10th लेवल के लिए आप इतना याद रखिए, जो एनर्जी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगेगी वो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए लगेगी वो बहुत ज़्यादा वेरी हाई, बहुत हाई होगी। तो इतनी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो केमिकल वर्ल्ड में नहीं प्रेजेंट, इसीलिए ये 4 पॉजिटिव नहीं बनाएगा। ओके, 4 नेगेटिव क्यों नहीं बनाएगा? अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है ना, इनका एडिशन करना पड़ेगा। तो एक टर्म आएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है अगर हमने इसको ऐड करना है, बट हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन है वो उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये पहले जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो दूसरे आने वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये आने नहीं देंगे, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं उसको आने नहीं देंगे, उसको क्या करेंगे, रिपेल्शन शो करेंगे उसके अगेंस्ट। तो ना ही 4 नेगेटिव पॉसिबल है और 4 पॉजिटिव बहुत टफ है अगर ये दोनों शो हों। तो आपने ये टर्म्स याद रखनी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब अगर हम बात करें कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो कौन कौन सी होंगी, तो कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा वो मैक्सिमम केसेस में क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, नो आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कौन सी बॉन्ड होगी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आपको नजर आए। कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे दो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने कोई पार्टी करनी है, सपोज उसका जो बजट है वो 10 रुपये रख लिया से, तो 5 रुपये एक स्टूडेंट डाले और 5 रुपये दूसरा स्टूडेंट डाले, तो ये क्या हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग। ऐसी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन की बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है। तो कार्बन क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, अगर आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे तो मज़ा आएगा इसमें करने में। देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग के आगे अगर हम देखें तो नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड जो हैं उनकी नेचर कौन कौन सी है। पहली नेचर है सैचुरेटेड बॉन्डिंग जो होगी या सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे, मैं पूरी डिटेल में करवाऊंगा ये वाला चैप्टर आपको, अनसैचुरेटेड बॉन्डिंग। देखिए हम +1 +2 JEE और नीट के कॉन्सेप्ट जनरली इस चैनल पे डालते हैं, बट रीज़न कई बच्चे हमें जो कमेंट्स सेक्शन में या ईमेल्स में कहते हैं कि एक बार कार्बनेट्स कंपाउंड्स को भी डिस्कस कर लें, तभी हम ये कर रहे हैं। तो आप फाउंडेशन के विद रिस्पेक्ट टू इसको आप देखिए, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होंगे बेटा, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में देखिए, सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स हैं जैसे कि हमारे पास एल्केन, ये नाम जो है वो नए है आपके लिए। एल्केन कैसे, मैं यहाँ पे R लिख रहा हूँ, R का मतलब आप लीजिए 1 carbon, 2 carbons या many carbon, बहुत लंबी चेन हो या साइक्लिक ग्रुप हो तो वो क्या होगा, एल्केन। जैसे कि एल्केन ये 2 R है, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लग जाए, सिंगल बॉन्ड लग जाए उसको बोलेंगे एल्केन।
आपने याद रखना है सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड है, ये हायर क्लासेस में आपको पता लगेगा, बस आपने फिलहाल ये इतना याद रखना है सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो जिनके बीच में क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड होगी। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन कौन से, नाम से पता लग रहा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, एज नेम इंडिकेटिंग इनमें एल्कीन होगा, एल्कीन ये डबल बॉन्ड, और एल्काइन ये ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन में देखिए सिग्मा और पाई बॉन्ड, और इसमें एक सिग्मा और दो पाई, हमेशा सिंगल बॉन्ड सिर्फ सिग्मा से बनेगी। जितनी भी मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएं, डबल और ट्रिपल चार तो हो नहीं सकती, इकट्ठी चार नहीं हो सकती, तो हमेशा सिंगल बॉन्ड सिग्मा एक ही होगी। फाइन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और इसके बाद और हमारे पास कौन से कंपाउंड्स आएंगे, जैसे कि साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स, उसके बाद हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनकी हम आपको थोड़ी सी जो है वो रिव्यू दे दे। साइक्लिक कंपाउंड्स वो जो कि पूरी तरह से जो एंड्स हैं उनके जुड़े हों, उनको बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। जैसे ये आ गया, इनके एंड्स क्या हैं, दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं, ओपन एंड नहीं है। तो एक और मैं आपको कंपाउंड यहाँ पे डिस्कस कर दूँ, एलिफैटिक कंपाउंड्स। ये भी आप एक एडिशनल जो नॉलेज है वो रख लीजिए। एलिफैटिक कंपाउंड्स बच्चों वो होंगे जो ओपन एंडेड, मोस्ट केसेस में ओपन एंडेड। कैसे, जैसे कि ये इनके एंड्स देखो खुले हुए हैं, इनके एंड्स खुले हुए हैं, तो ये ओपन एंडेड है, इनको बोलेंगे एलिफैटिक। साइक्लिक कंपाउंड्स क्या, जिनके एंड्स जुड़े हुए हैं, इनको हम एलिसाइक्लिक भी बोलेंगे, एलिसाइक्लिक या एसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट है बेंजीन, जो प्लस वन में जाके डिस्कस करेंगे बेंजीन होगा क्या, आप थोड़ा सा समझ लो। बेंजीन में जो सिक्स बैंड्स होंगे, यहाँ पे सिक्स बैंड्स का मतलब है सिक्स कार्बन्स होंगे, और जो डबल बॉन्ड है वो ऑल्टरनेट लगी होंगी, डबल सिंगल डबल, ऑल्टरनेट केसेस में लगी होंगी। जैसे मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो बच्चों ये होगा डबल सिंगल डबल, तो इस तरह से ऑल्टरनेट लगी होंगी ये कार्बन के एली कंपाउंड्स है, साइक्लिक एलिसाइक्लिक एरोमेटिक एलिफैटिक। एरोमा वर्ड का मतलब है बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस, फाइन, बहुत अच्छी स्मेल कह सकते हैं, प्लेयरेबल स्मेल कह सकते हैं, फाइन। तो ये वाले कंपाउंड्स आपने दिमाग में रख के चलने हैं, ओके। अब आप आगे देखिए जी, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में जो फर्दर आप कुछ जो टॉपिक्स देखते हैं उनमें IUPAC नेम है, मैं थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ। IUPAC नेम की तो हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, बट अगर हम बात करें 10th स्टैंडर्ड की, तो 10th स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 10th के बच्चे प्लस वन के कंपेरेटिवली उनका सिलेबस बहुत कम है। जैसे कि मैंने अपनी बहुत वीडियोज़ में बोला हुआ है, जैसे ये सचिन तेंदुलकर, ये हमारे पास नाम है, ठीक है, बड़ा ही फेमस, हम बड़े ही फेमस क्रिकेटर हुए हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये है प्रीफिक्स, हाँ जी, और ये तेंदुलकर जो कह रही सफिक्स, फाइन। आपने बस यहीं पे ही फोकस करना है, और मिडल में आएगा वर्ड रूट। मैं सिर्फ 10th लेवल का ही थोड़ा सा आइडिया दूंगा, ज़्यादा हम इसमें फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि 10th में चाहिए बहुत कम। अब पहले हम क्या बोले, प्रीफिक्स में जो 10th लेवल के बच्चे हैं, सफिक्स और वर्ड रूट सिर्फ आपने यही करना है। और जो सफिक्स है, सफिक्स टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक होगा प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होगा सेकेंडरी सफिक्स। ये सिर्फ और सिर्फ किस लेवल के लिए, 10th लेवल के लिए हम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल के लिए, ओके। अब आप देखिए, मैं आपको आइडेंटिफिकेशन करवा दूं, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ठीक। चलिए अब हम
सबसे पहले वर्ड रूट के ऊपर फोकस करेंगे। वर्ड रूट हमें क्या बताएगा? वर्ड रूट हमें बताएगा नंबर्स ऑफ कार्बन्स इन मेन चेन। मेन चेन अभी मैं आपको देखनी सिखा दूंगा जी। देखिए, अगर तो कार्बन वन है तो होगा मिथ, अगर तो कार्बन टू दैट विल बी इथ। ये होगा बच्चों प्रॉप या टेंथ लेवल के केमिस्ट्री हम कर रहे हैं। ये होगी ब्यूट, पांच पेंट, सिक्स होगा बच्चों हेक्स, सेवन होगा हेप्ट। इनकी प्रोनंसिएशन सही तरह करनी है, इसको बूट नहीं बोलना, इट इज ब्यूट। और आ जाइए एट को ऑक्ट, नाइन को नोन, टेन को डेक। यहां तक ही आपने पढ़ना है, इसको बुट नहीं बोलना, ठीक है? बड़े अच्छी तरह बच्चे जनरली बुट बोलते हैं इसको, नो ऐसा नहीं करना, प्रोनंसिएशन अच्छी तरह से करनी, ये आप समझ लीजिएगा। और आगे जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास, मैं इधर ही इधर लिखने लगा हूं, प्राइमरी सफिक्स। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, अगर आप फोकस करेंगे मेरी वीडियो पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये टेंथ लेवल के बच्चों के लिए प्रीफिक्स क्या करेगा, ये हमें बताता है बॉन्डिंग बिटवीन, किनके बीच में बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन्स ऑफ मेन चेन, जो मेन चेन की कार्बन्स है उनके बीच में बॉन्डिंग होगी उसको बोलेंगे प्राइमरी सफिक्स। क्या देखिएगा, अगर तो सिंगल बॉन्ड आ जाए तो हम लगाएंगे एन, अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो ईन, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आयन। बस यहां तक आप फोकस करिए, देखिएगा कैसे फटाफट आंसर्स आते हैं आपके पास। ओके, अब हम एग्जांपल करेंगे, इधर एग्जांपल करेंगे, मैं रब नहीं करूंगा क्योंकि एक बार आप इनको देखिएगा। देखो बच्चों, अगर आपके पास ये दो कार्बन आ गए, फाइन, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम एग्जांपल्स करने लगे हैं। ओके, दो कार्बन आ गए तो आपने क्या करना है, नंबरिंग सिर्फ कार्बन के ऊपर ही रखनी है, नंबरिंग कार्बन के ऊपर रखनी है, वन और टू। अब हम इधर से भी चले नंबरिंग दोनों तरफ से टू ही आएगी, तो पहले क्या लगाएंगे, मैंने आपको बताया पहले आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स या प्रीफिक्स आप टेंथ लेवल के लिए वर्ड रूट, और फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स। पहले वर्ड रूट आएगा। कितने कार्बन है, दो को हम क्या लिखेंगे, इथ। अब लिख दिया, उसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स। अब फॉर्मूला देखिए, मैंने आपको लिखवाया अभी पीछे थोड़ा, अगर आप एक मिनट पीछे या दो मिनट पीछे करेंगे वीडियो, तो प्राइमरी कौन सा, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, इन, तो ये आ गया इथेन। एक और एग्जांपल अभी दी जा सकती है यहां पे, देखिएगा अगर हम बात करें ये बना, तो नंबरिंग हम किधर से भी करें, जब सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ लगी हो नंबरिंग कहीं से भी करिए तो क्या आएगा, मैं इधर से कर रहा हूं, वन टू और थ्री, कितने कार्बन है, तीन, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है बच्चों प्रोपेन। तो इस तरह से आपने ये आईयूपीएसी नेम किया। अब मैं यहाँ पे रब करने लगा हूँ और काफ़ी सारी एग्जांपल्स लेंगे और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये कार्बोनेट्स कंपाउंड्स का ये जो लेक्चर। ओके, देखिएगा ये अभी हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, ये देखो बच्चों एग्जांपल और लेंगे, जैसे कि आपके पास ये आ जाए, फाइन, समझ के चलना है, बिल्कुल टेंथ लेवल के स्टूडेंट्स। नंबरिंग मैं यहाँ इसको दो बार लिख रहा हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि आप अच्छी तरह से इसको ग्रिप कर सके बहुत अच्छी तरह से। क्यों भाई, समझ लग रही है? आप बच्चे कमेंट्स बहुत कम करते हैं, थोड़ा कमेंट्स ज़्यादा किया करिए, इससे पता लगता रहता है। अच्छा जी, वन टू और थ्री, हम इधर से इधर देख रहे हैं, याद रखिएगा आपने कार्बन, अगर आप इधर की तरफ चल रहे हैं तो आगे की तरफ देखना, मतलब हम कैसे चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, वन के आगे डबल बॉन्ड, टू के आगे सिंगल बॉन्ड, इसके आगे कुछ भी नहीं। अगर हम इस तरफ चल रहे हैं, अगर हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरफ हम इस तरफ जा रहे हैं, पहले सिंगल बॉन्ड, दूसरे के आगे डबल बॉन्ड, थर्ड के आगे कुछ भी नहीं, तो यहां पे एक रूल लगेगा, लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट क्या कहता है, हमने कम से कम जोड़ लेना है। जैसे कि हम इधर चल रहे हैं, पहले नंबर पे क्या लग गई, डबल बॉन्ड, सिंगल नहीं देखनी, जब डबल
लगी हो या ट्रिपल लगी हो, तो इधर से चलेंगे तो कौन से नंबर पे लगा, दूसरे पे, हमने कौन सा लेना है लोएस्ट, तो हमारे अकॉर्डिंग ये नंबरिंग करेक्ट आई है और ये गलत आई है। क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर पे नहीं, लोएस्ट लेना। तो बच्चों इसका नाम क्या आएगा, अब हम इसका नाम देखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन है यहाँ पे, प्रॉप 3 कार्बन है, और इधर तो हमने सीधा एन लगा दिया क्योंकि सिंगल बॉन्ड थी, बट यहाँ पे हमने क्या करना है, एग्जामिनर को बताना है कि हमने आपके दिए हुए कंपाउंड में 3 कार्बन देखे जिसके पहले नंबर पे डबल बॉन्ड लगी हुई है। पता लग गया यहाँ पे कौन से नंबर पे लगी हुई है डबल बॉन्ड, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड लगी हुई है। और करिए एग्जाम्पल्स तो बहुत सारी देंगे, बहुत सारी, चेक करिए। अगर हम एक और कंपाउंड लें, जैसे ये कंपाउंड आ गया, मैं थोड़ा सा कैमरा आगे करने लगा हूं, ओके। अब देखिए बच्चों, इसको मैं फिर दोबारा लिखूंगा ताकि आप अभी अच्छे से समझ ले, आपका बिल्कुल अभी लर्निंग फेज है, तो ये आ गया, ओके। अब चेक करिए बच्चों, मैं इधर से नंबरिंग दू 1, 2, 3, 4, 5, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड, थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा 4। अगर हम इधर से करें 1, 2, 3, 4, 5, ये 10th लेवल के लिए वीडियो है, दोबारा IUPAC नेम हम +1 +2 के लिए नहीं करवा रहे, ये बिल्कुल बेसिक्स है, बिल्कुल फंडामेंटल्स है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल है। अब दूसरे नंबर पे लगी है और फोर्थ नंबर पे लगी है, ये 6, तो कौन सी नंबरिंग करेक्ट होगी, ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी। तो हम क्या आंसर करेंगे, समझ के चलिएगा, यहाँ पे कितने कार्बन है, 5 पेंट, इसके पहले नंबर पे, और एग्जामिनर को क्या बताया, आपके दिए हुए कंपाउंड में 5 कार्बन देख लिए हमने, उसके पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे 2 जगह डाई लगाना, 3 होते तो ट्राई डाई इन, 2 जगह डबल बॉन्ड लगी। और ये स्पेशली जो मैं बताने लगा हूँ, याद रखिए, मोस्टली टीचर्स नहीं बताते, मैंने देखा भी है कई जगह जब हमने टेस्ट कंडक्ट किए तो बच्चे ये गलती करते हैं, जब डाई और ट्राई इधर आ जाए तो यहाँ पे ए लगाना, ये याद रखिएगा, दिस इज पेंटा, ओके, ये याद रखिएगा आप बच्चों, ओके। IUPAC नेम की कैटेगरी में ये जो बेसिक से है वो हमने किया। अब इसमें और ऐड करते हैं, इसमें हम बॉन्ड लाइन फार्मूला भी ऐड करेंगे। बॉन्ड लाइन फार्मूला में आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे आपको दिखे बेंड, यहाँ पे आपको दिखे एंड, वो क्या होंगे, वो होंगे कार्बन्स, होंगे कार्बन्स, जैसे कि ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। आपको इसका IUPAC नेम करना है तो आपने इसको दोबारा से लिखना नहीं, इसी के ऊपर चलना है। देखिए ये आ गया बेंड, यहाँ पे लगा है कार्बन, ये आ गया एंड, यहाँ पे भी लगा है कार्बन, ये भी बेंड, ये भी एंड, आप चाहो तो यहाँ पे कार्बन लिख सकते हो ऐसे, ओके। इसके ऊपर ही अब कार्बन के हाइड्रोजन कैसे सेट करने, कितनी बॉन्ड्स बनी है, एक बॉन्ड कितने हाइड्रोजन लगा दे, 3, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा, इधर 2 बॉन्ड्स पहले ही बनी है, इसके साथ आप चाहे हाइड्रोजन ऐसे लगा दो या ऐसे लगाओ, ये आपके ऊपर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, यहाँ आप ऐसे लगा दो, ओके, यहाँ आप रेगुलर ऐसे लगा दो, ये मतलब नहीं कि बॉन्ड शो करनी ही करनी है, अगर किसी के ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है तो इट मीन्स ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये इसके साथ लिंक्ड हुए ही होंगे, ओके। अब चेक करिए, आप हाइड्रोजन लगाइए चाहे ना, हम यहाँ पे देखिए IUPAC नेम दे देंगे, 1, 2, 3, 4, कितने कार्बन है, 4, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, कोई लंबी जोड़ी स्टोरी नहीं है जी, बहुत सिंपल सा काम है, एक बार आपने इसको पकड़ लिया, हैंडलिंग आ गई आपको ऑर्गेनिक की, तो आप जीनियस बन जाएंगे। अब आप चेक करिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगी है, देखिए कुछ चीज़ें याद रखनी है, अगर तो डबल बॉन्ड यहाँ पे पूरी तरह इक्वल है तो इट मीन्स ये कार्बन है और ये कार्बन है, अगर ऐसे कुछ है और बीच में ऐसे लग गई तो आपने इसका एंड देख के कार्बन लगाने, इसका एंड कार्बन और इसका एंड देख के कार्बन और इसका एंड देख के कार्बन लगाने, पता लग गया। अगर कुछ ऐसे आ गया बच्चों, देखिए हमारी ड्यूटी है आपको प्रॉपर वे से समझाने की, कोई हम यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं कर रहे, इसलिए आप फोकस करिए,
फ्री ऑफ कॉस्ट आप चल रहे हो सारा कुछ, ठीक है। तो कोई हमने ये नहीं देखना कि कोचिंग में जाओ या यार, आप इधर ही फोकस करिए, आपको इधर ही समझ लग जाएगी सारा कुछ। देखिए इसका एंड कार्बन, इसका एंड कार्बन, इन दोनों का एंड कार्बन, कार्बन कार्बन और कार्बन, ओके। अब इधर से चले 1, 2, 3, 4 और 5, दूसरे नंबर पे लगी डबल बॉन्ड। अगर हम इधर से चलें तो इधर से हम क्या करेंगे देखेंगे, तीसरे नंबर पे लगी है, तो ये नंबरिंग, ये नंबरिंग नहीं लेनी, ऊपर वाली नंबरिंग हम क्या करेंगे, ये करेक्ट है, फाइन। क्या आंसर आएगा बच्चों, दैट विल बी पेंट, दूसरे नंबर पे लगी है पेंट टूइन, यहाँ पे डाई नहीं लगाना क्योंकि दो जगह डबल बॉन्ड नहीं लगी। तो इस तरह से आपने अभी सिर्फ क्या किया है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की जो हमारे पास IUPAC नेम है उनको देखा है। आगे और चलें थोड़ा सा तो देखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी आप ले लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड का केस भी सेम ही डबल बॉन्ड की तरह है, फंसने की जरूरत नहीं। 1, 2 और 3, पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूँ बच्चों 1, 2, 3, तो पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड इधर से दूसरे नंबर पे, तो कौन सी नंबरिंग, ये वाली करेक्ट है, ये गलत है। अब क्या आएगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो क्या आ जाएगा प्रॉप, पहले नंबर पे क्या लग गया ट्रिपल बॉन्ड, प्रॉप वन आयन, ओके। ये 10th लेवल की IUPAC नेम हम कर रहे हैं, ओके। देन इसके बाद अगर हम बात करें, हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताएगा, ये बताएगा जी फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप्स जो 10th लेवल में कार्बोनेट्स कंपाउंड्स है उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, पहला फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड एल्डिहाइड, पहचान करेंगे इनकी, और जो नेक्स्ट है वो है कीटोन बच्चों। तो एल्कोहल क्या होगा, एल्कोहल होगा सिर्फ OH, ये आपने याद रखना है, OH। कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए COOH ऐसे लगा लो, या इस तरह से लगा लो, या आप बच्चों इसको ऐसे लगा लो, ये बिल्कुल सेम होगा, इट इज सेम। क्या आएगा, या COH लगा लो, या इस तरह से इसको लगा लीजिए, या आप इसको इस तरह से लगा लीजिए, फाइन। आइडेंटिफिकेशन आपने करनी है। एल्डिहाइड में देखिए सेम ही है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, या ये देखो सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को रब कर दूं, इधर एच लगा दूं, कैसे सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को रब कर दूं, इधर लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। पहचान करनी आपको आनी चाहिए, पहचान करनी ही मेजर है। कीटोन, कीटोन में आर का मतलब है लंबी चेन, कार्बन और दो कार्बन के बीच में ये जो दो कार्बन है इनके बीच में, ये हम बोलते हैं वैसे याद रखने के लिए एंटीने वाला कार्बन, यानी एंटीना किसका, ऑक्सीजन का एंटीना, पता लग गया। तो अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स लगाना है हमने ओल, इसका हमने लगाना ऑयक एसिड, ऑयक एसिड, इसका एल्डिहाइड का अल, ओल ऑयक एसिड अल, कीटोन का लिखना है, क्या लिखना है, ओन, वन नहीं लिखना, वन बोलना नहीं है, मतलब लिखना तो चलो वन नहीं है, ओन बोलना है, वन नहीं बोलना। तो ये अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, आप देखिए इसमें सिर्फ अल्कोहल को छोड़ के बाकी तीनों के तीनों जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वहां पे कार्बन प्रेजेंट है, जो फंक्शनल ग्रुप्स है उन्हीं को कार्बन डिफाइन कर रहा है। तो आपने ये चीज फोकस करनी है, अल्कोहल कार्बन कंटेनिंग नहीं है, बाकी जितने आपके सिलेबस में 10th लेवल के सिलेबस में फंक्शनल ग्रुप है उनको कार्बन डिफाइन कर रहा है। आज इस वीडियो में यहां तक हम करेंगे, क्यों, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, जिससे आप 2 या 3 सेगमेंट में ये चैप्टर पूरा करेंगे। तो आपने जितना मैंने करवाया वो फोकस करना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। कमेंट्स करते रहिए, हो सके तो अपने जो हमारा चैनल है उसको शेयर भी करिए। हमारा जो टास्क है 1 साल में, साल का मतलब है दिसंबर तक 1,00,000 सब्सक्राइबर करने का, तो वो आपके बिना पॉसिबल नहीं है। तो बेटा शेयर करिए,
तो जिससे हमारा तो टास्क पूरा होगा ही, बट आपके जो कोलिग्स होंगे, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, वो जो भी आपके मित्र होंगे, उनको बेनिफिट होगा। चलिए आज हम इतना ही यहाँ पे अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बच्चों, बाय।